हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टॉप 10 वास्तु प्लांट्स। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और खुशनुमा माहौल को उजागर करते हैं। इन्हें आप अपने घरों में और ऑफिस में कहीं पर भी लगा सकते हैं। घर में सुख शांति और सौभाग्य लेकर आते हैं ये पौधे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बांस का पौधा यानी बैम्बू प्लांट। आप इसको घर में या ऑफिस में कहीं पर भी लगा सकते हैं और आप इसे उपहार स्वरूप भी भेंट कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा है मनी प्लांट। यह पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आप गमले में या फिर पानी में लगा सकते हैं। अब है लेवेंडर प्लांट। लेवेंडर प्लांट भी बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। यह अपनी खुशबू के लिए भी जाना जाता है और यह तनाव को कम करने में मदद करता है। अगला प्लांट है पीस लिली। यह पौधा प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। इसे आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। इससे बुरे सपने दूर होते हैं और रिलैक्स का अनुभव होता है। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। वास्तु के अनुसार यह पौधा एक पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। यह ऑक्सीजन की धारा को भी बढ़ाता है और यह घर के अंदर से विषैली हवा को सोखता है। अगला पौधा है गुलदाउदी। यह पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह पौधा आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आप इस पौधे को उपहार स्वरूप भी भेंट कर सकते हैं। अगला पौधा है अरेका पाम। यह पौधा भी बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यह पौधा घर की हवा को साफ करता है। आप इसे अपने घर या ऑफिस में कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है रबर प्लांट। यह पौधा भी बहुत ही लक्की माना जाता है। रबर का पौधा फेंग शुई में धन और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पौधा है तुलसी। इसे तो आप सभी जानते ही होंगे। हिंदू धर्म में यह पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर घर में इसकी पूजा होती है। तुलसी का पौधा अपने अंदर बहुत सारे औषधीय गुण रखता है। अगला प्लांट है हल्दी। हल्दी तो अपने आप में ही गुणों से भरपूर है। इसको घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। अगला पौधा है रजनीगंधा। यह भी अपने आप में बहुत भाग्यशाली माना जाता है और यह अपनी खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इन पौधों को आप गमले में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो कुछ ऐसे पेड़ जिन्हें लगाना भी भाग्यशाली माना जाता है, जैसे हरश्रृंगार, अशोका, नीम, रात की रानी और शमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।